हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अचीवर्स फैमिली। ठीक है, मेरा नाम उदय मकवाना और मैं यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा, जो पिछले वीडियो में जिसके हम लोग ने बात की थी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बराबर ना। ये सारे टॉपिक होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, ये सारे चीज़ें हमें पढ़नी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। ठीक है, दिखने के लिए भले ही इतना बड़ा सा पहाड़ है, पर एक्चुअल में मैंने जैसे बोला, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, 80% स्टूडेंट जो होते हैं, उनको मैथ्स का फोबिया होता है। ठीक है, और मैथ्स का फोबिया, हमें मैथ्स पढ़ना ही नहीं, हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करना, क्योंकि क्या बोला था मैंने, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या है, क्वांटिटेटिव एग्जाम का आपका नेचर कैसे होता है, आपके एग्जाम का नेचर जो है, आपके एग्जाम में क्या होता है, एक नॉर्मल एक क्वेश्चन आता है, उसके नीचे चार या पाँच क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं। आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन पढ़ना होता है, क्वेश्चन का आंसर करना होता है और ऑप्शन टिक करना होता है। ऑप्शन टिक करने पर आपको मार्क्स मिलते हैं, बराबर ना। इसका मतलब कि हाँ, कहीं पे भी हमारा डिस्क्रिप्टिव वर्क यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होता। स्कूल में क्या था, स्कूल में हमें मैथ्स जो था वो क्या था, डिस्क्रिप्टिव मैथ्स था। हमको क्या करना पड़ता था, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता था, जिसको स्टेप लिखने पड़ते थे, और हम लोग बिल्कुल वही करते थे। हम लोग क्या करते थे, एक स्टेप चार चार बार लिखते थे, देयरफॉर फ्री का मार्क्स जो चाहिए था हमें, बराबर ना। पर यहाँ पे बात बिल्कुल अलग है, यहाँ पे क्या है, हमें स्टेप्स को जीरो मार्क्स हैं। इसलिए मैंने क्या बोला, मैथ्स भले ही बचपन में वीक रहा हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोग मैथ्स जो यहाँ पे पूरा नए तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या अप्लाई होता है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अप्लाई होते हैं, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, तो मिनिमम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो शॉर्ट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार चीज़ बोल रहा हूँ, बचपन में अगर मैथ्स वीक भी रहा है, मैथ्स का कितना भी बड़ा फोबिया है, मेरे पास आ जाओ, डेफिनेटली मैथ्स का डर कायम, हमेशा के लिए भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे, बराबर ना। इसीलिए आपको क्या करना है, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, हमें बेसिक कैलकुलेशन, जो वैदिक मैथ्स के कैलकुलेशंस होते हैं, जिससे कैलकुलेशंस आसान होते हैं, हम लोग सबसे पहले, मतलब आने वाला वीडियो जो मेरा रहेगा वो बिल्कुल यही रहेगा, बेसिक कैलकुलेशन, जिसमें वैदिक मैथ्स के कैलकुलेशंस बताऊंगा, कैलकुलेशन जो है, मतलब मल्टीप्लिकेशंस वगैरह जो है, कैसे आसानी से हो सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशंस में करेंगे, बराबर ना। उसके बाद स्क्वायर स्क्वायर रूट के शॉर्टकट देखेंगे, बराबर ना, क्यूब क्यूब रूट्स के शॉर्टकट देखेंगे। ये पूरा हमारा फ्लो है, हम लोग यही डायरेक्शन से जाएंगे। हमें अगर मंजिल का पता है, मंजिल को कैसे जाना है, ये भी अगर हमें पता है, तो हम लोग आसानी से मंजिल हासिल कर सकते हैं, बराबर ना। इसीलिए हमें क्या करना है, यही हमारा पाथ है, यही हमारा सिक्वेंस है, हम लोग यही सिक्वेंस से आगे बढ़ेंगे और पूरा चीज़ जो है हम लोग क्या करेंगे, मतलब हम लोग सक्सेसफुल होंगे लाइफ में, बराबर है। इसका मतलब क्या, सबसे पहला लेक्चर जो आने वाला लेक्चर रहेगा मेरा क्या रहेगा, बेसिक कैलकुलेशंस का रहेगा, जिसमें हम लोग वैदिक मैथ्स देखेंगे, वैदिक कैलकुलेशंस देखेंगे, बराबर ना। उसके बाद स्क्वायर देखेंगे, स्क्वायर रूट शॉर्टकट आसानी से कैसे निकालते हैं, करने के लिए तो हम लोग पॉसिबल है, इंटू कर देंगे तो स्क्वायर बन जाता है, बराबर ना। पर नहीं, हमें ऐसे करना ही नहीं, हमें बस आसानी से करना है, 20 शॉर्टकट से करना है, बराबर ना। उसके बाद क्यूब कैसे करते हैं शॉर्टकट से, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं शॉर्टकट से, बराबर है। सिंप्लीफिकेशन, जहाँ पे बोडोमास रूल अप्लाई होता है, बराबर है, जो हम लोग बाद में जिसका जब इसका नंबर आएगा, हम लोग जब इसका वीडियो देखेंगे, मतलब जब भी हम लोग इसको पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन को, बराबर ना, तब ये चीज़ में बोडोमास क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं शॉर्टकट से, कैलकुलेशंस कैसे बनते हैं, ये चीज़ जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख लेंगे, बराबर है। उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन, ये भी इसी का पार्ट है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है यहाँ पे, बराबर है। उसके बाद परसेंटेज देखेंगे, परसेंटेज, एक बार परसेंटेज पढ़ लिया तो आगे का हमारा सिक्वेंस इधर तक, ये जो है ये पूरा, मतलब अगर परसेंटेज की हम लोग बात करेंगे तो ये तीनों भी टॉपिक्स परसेंटेज पे डिपेंड होते हैं, बराबर है। इसका हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, परसेंटेज के बाद क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज के बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद क्या बनता है, सिंपल इंटरेस्ट, बराबर ना, नाम की तरह वो सिंपल होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट बचपन से फेवरेट है आप लोगों का, बराबर ना, हम लोग वो भी आसानी से एग्जाम क्वेश्चन जब स्कूल में पढ़ते थे, एक से डेढ़ पेज के हम लोग क्या कर लेते थे, मेहनत कर लेते थे, और जिसमें क्या हो जाता था, कैलकुलेशन के एरर भी बन जाते थे, बराबर ना। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, सेम कंपाउंड इंटरेस्ट जो है एक सिंगल लाइन में सॉल्व कर लेंगे, इतने अच्छे शॉर्टकट शॉर्टकट से हमारे पास इसके लिए, बराबर ना। मतलब कम से कम मेहनत में सबसे डिफिकल्ट वाला टॉपिक जो है मैथ्स का, सबसे आसानी से, एक्सट्रीम आसानी से हम लोग यहाँ ही पर सॉल्व करेंगे, बराबर ना। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जैसे परसेंटेज जो है उसके बेस चैप्टर्स हैं, वैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है इसके बेसिस पे भी ये तीन चैप्टर, ये तीन जो चैप्टर्स हैं वो आ जाते हैं, बराबर ना। कौन से, तो प्रॉब्लम एंड एजेस, पार्टनरशिप एंड मिक्सर एंड एलिगेशन, ये तीन टॉपिक जो है किसके ऊपर डिपेंड है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे डिपेंड है, बराबर ना। प्रॉब्लम ऑन एजेस, बराबर, एजेस मतलब समीर जो इतने ये इतने साल का है, उसकी सिस्टर जो है उससे चार साल से छोटी है, बराबर ना। इस टाइप के क्वेश्चन जो एजेस वाले क्वेश्चन नॉर्मली आप लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर्स में, बराबर ना, वो इसी में पूछे जाते हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस, इसके लिए भी बेहद
अच्छी वाली जो ट्रिक है मेरे पास, बराबर है, इससे हम लोग आसानी से एजेस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, पार्टनरशिप, बराबर है। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये भी टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे चैप्टर से डरते हैं, एडवांस चैप्टर है थोड़ा सा, बराबर ना, ये भी हम लोग आसानी से यहीं पे पढ़ेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेजेस, ये तो स्कूल में पढ़े हुए थे, आसान है टॉपिक, फिर भी शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे, बराबर ना। उसके बाद टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम पढ़ना है आपको, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड है, ये दोनों जो है आसपास ही, दोनों भी टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड एंड बोट एंड स्ट्रीम, बराबर ना, ये दोनों भी जो है टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम सेम तरीके से सॉल्व होते हैं, दोनों भी सेम टॉपिक है, मतलब सॉल्व करने का तरीका सेम है दोनों का, बराबर ना। उसके बाद एरिया एंड पेरीमीटर, वॉल्यूम, दोनों भी जो है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स हैं, इसमें फॉर्मूलाज आपको करने पड़ेंगे, हम लोग मतलब करेंगे यहाँ पे, मैं हूँ, डरना नहीं बिल्कुल भी, मैथ्स का टेंशन तो आज से छोड़ ही दो, बराबर ना, ठीक है। उसके बाद परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इससे तो बहुत सारे बच्चे डरते हैं, पर एक्चुअल में सबसे आसान चीज यही है, परम्यूटेशन भी आसान है, कॉम्बिनेशन भी, ओवरऑल मैथ्स ही इजी है, मैं आज से मास को डरना ही नहीं है, बराबर ना, ये जो चीज़ है डरते हो मत डरो, बहुत आसान है, परमुटेशन भी करेंगे, कॉम्बिनेशन भी करेंगे, प्रोबेबिलिटी भी करेंगे, बराबर है। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, जो पीओज में पूछा जाता है, बराबर है, ग्राफ जीवन जी, बार ग्राफ आता है, लाइन चार्ट आता है, पाई चार्ट आता है, बराबर ना, ये सारे कैशलेट डी आई आने शुरू हो गए, बराबर है, मतलब ये सारे डी आई जो टॉपिक्स हम लोग करेंगे, उसके भी वीडियोज बनाएंगे हम लोग, आपको लिए अपलोड करेंगे, बराबर ना। और इनइक्वालिटी जो है ये भी चीज़ हम लोग करेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, पढ़नी है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, मतलब वीडियो जो आपके लिए मैं बनाऊंगा, अपलोड करते रहूंगा, आपको क्या करना है, वीडियोस को फॉलो करना है। अगर आपको इसके अलावा भी अगर हमारी कोई सहायता चाहिए तो आप ये नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, 9323636323, बराबर है, या फिर ये मेरा मेल आईडी है mr.udesh@udesh@gmail.com। और अगर फेसबुक मैसेंजर पे डायरेक्टली आप कोई चीज़, मतलब कोई क्वेश्चन का अगर डाउट वगैरह आ रहा है तो क्वेश्चन टाइप करने का बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन का एक फोटो क्लिक करो, फोटो क्लिक करके डायरेक्टली मुझको फेसबुक मैसेंजर पे पोस्ट कर दो, मैं आपको डेफिनेटली सोल्यूशन सेंड कर दूंगा, बराबर है। मतलब क्या, पढ़ाई कहीं पे भी रुकनी नहीं चाहिए, बराबर है, जो कुछ भी बाहर चल रहा है, बराबर है, लॉकडाउन वगैरह जो है इसकी वजह से इसका असर जो हमारे पढ़ाई पे बिल्कुल भी ना आए, इसीलिए हम लोग आपके लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका काम है आपको पढ़ाई करते रहना है, जो कुछ भी क्वेरीज आ रही है कैसे भी पूछ लो, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन हैं, बस पढ़ाई करो, ठीक है, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।